तो महाराज जी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उनकी दीक्षा हुई थी 1971 में शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। एक साल बाद ही उनकी दूसरी दीक्षा भी हुई थी और तब से लेके आज तक 25 वर्षों से ज्यादा वो एशियाई देशों में प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि भारत, फिलीपीन, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि। और अपने प्रचार के वर्षों में उन्होंने अनगिनत आत्माओं को व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया है और बहुत गहरी प्रेरणा दी है। और महाराज ने श्रीधाम मायापुर में संन्यास आश्रम ग्रहण किया था श्री तमाल कृष्ण महाराज से 1994 में। और महाराज संन्यास लेने के पश्चात भी उनके जीवन शैली में ज्यादा बदलाव नहीं था, क्योंकि महाराज पहले से ही बहुत गंभीर थे अपनी कृष्ण भक्ति में। जो भी महाराज को जानता है वो उनकी ईमानदारी से भगवत नाम के जप करने को की सराहना करता है और कहता है कि महाराज वाकई में वो करते हैं जो वो कहते हैं। और महाराज शुरू से ही हमारे मायापुर के MIHE में पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ नवद्वीप मंडल परिक्रमा में भी हर साल महाराज रहते हैं। और जो हमारी परिक्रमा का अंतर्राष्ट्रीय समूह है उनके निर्देशन में चलता है। तो आइए हम सब मिलकर महाराज का स्वागत करते हैं और उनके पद्म मुख से सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक डालेंगे अभिषेक प्रभु। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 30 अध्याय श्लोक संख्या 40। श्री शुक उवाच अन्विचन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरितः ददृशु प्रिय विश्लेषान मोहितां दुखितां सखीं। शब्दात् श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अन्वचिन्त्यः दूरती हुई भगवतः भगवान का मार्गम रास्ता गोप्यः गोपियों ने अविदूरितः दूर नहीं पास ही तक्षुः देखा प्रिया अपने प्रेमी से विश्लेषात बिछुड़ने के कारण मोहिताम मोहग्रस्त दुखिताम दुखी सखीम अपनी सखी को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की जय। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के रास्ते को खोजती हुई गोपियों ने अपनी दुखी सखी के पास में ही ढूंढ निकाला, वह अपने प्रेमी के बिच्छों से मोहग्रस्त थी। अगला श्लोक, तया कथितम आकर्ण्य मान प्राप्तिम च माधवात् अवमानम च दौरात्म्याद विस्मयम परमम ययुः। शब्दार्थ, तया उसके द्वारा कथितम जो कुछ कहा गया, आकर्ण्य सुनकर माना आदर की, प्राप्तिम प्राप्ति च तथा माधवात कृष्ण से अवमानम अनादर च भी दौरात्म्यात अपने दुर्व्यवहार से विस्मयम विस्मय परमम अत्यधिक ययुः अनुभव किया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, उसने उन्हें बताया कि माधव ने उसको कितना आदर मान प्रदान किया था, किंतु अब उसे अपने दुर्व्यवहार के कारण अनादर झेलना पड़ा। गोपियां यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी। तात्पर्य, राधा रानी द्वारा कृष्ण के उठाकर ले चलने के लिए कहना स्वाभाविक था, क्योंकि यह याचना उनके प्रेम संबंध के अनुकूल ही थी, किंतु अब वे अत्यंत दीनतावश अपने व्यवहार को कुटिल बनाती हैं। इन बातों को सुनकर अन्य गोपियां विस्मित थीं। अगला श्लोक, ततो विषण्वनम चंद्र ज्योत्स्नयावत् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य
ततो निवर्तु स्त्रियः शब्दात अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की जय। ततः तब अभिशान प्रविष्ट हुई वनम जंगल में, चंद्र चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी यावत जहां तक विभाव्यते दृष्टि गोचर थी तमहा अंधेरा प्रविष्टम प्रवेश किया हुआ आलक्ष्य देखकर ततः तत्पश्चात निवृत्तुः विरत हो गई स्त्रियः स्त्रिया। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूर तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी, किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से घिरता देखा तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। तात्पर्य, गोपियां जंगल के ऐसे घने भाग में जा पहुंची थी जहां पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था। विष्णु पुराण में इस दृश्य का भी वर्णन है, प्रविष्टो गहनम कृष्णः पदम अत्र न लक्ष्यते निवर्तध्वम शशांकस्य नैतद्दिधि गोचरः। एक गोपी ने कहा, कृष्ण जंगल के ऐसे घने भाग में प्रविष्ट हो चुके हैं कि हमें उनके पदचिन्हों को भी नहीं देख सकती, अतः हमें इस क्षेत्र से जहां चांदनी भी नहीं पहुंच सकती लौट चलना चाहिए। अगला श्लोक, तन्मनस्कास्तदल अलापास तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मगाराणि सस्मरुः। शब्दात अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की जय। तद्मनस्काः उनके विचारों से भरे हुए मन, तद आलापाः उनके विषय में बातें करती, तद विचेष्टाः उनके कार्यकलापों की नकल करती, तद आत्मिकाः उनकी उपस्थिति से पूरित, तद गुणान उनके गुणों के विषय में, एव केवल गायन्त्यः गाती हुई, न नहीं आत्मा अपने आगाराणी घरों को सस्मुरुहु यदि याद किया। अनुवाद, उन सबके मन उनके कृष्ण के विचारों में लीन होने से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगी, उन्हीं के लीलाओं का अनुकरण करने लगी और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरित अनुभव करने लगी। वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गईं और कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से गुणगान करने लगी। तात्पर्य, वस्तुतः शुद्ध भगवत भक्तों के लिए कृष्ण से विच्छोह नहीं होता है, यद्यपि ऊपर से लगता है कि कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया था, किंतु वास्तव में वे श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन की आध्यात्मिक विधि द्वारा उनसे मजबूती से बंधी थी। अगला, पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः समवेता जगु कृष्णम तद आगमन कांक्षिताः। शब्दात अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय उनके शिष्यों की जय। शब्दात, पुनः फिर से, पुलिनम किनारे पर, आगत्य आकर, कालिंदाह यमुना नदी के, कृष्ण भावनाह कृष्ण का ध्यान करती, संवेताह एकत्रित हो गई, जगुहु गाने लगी कृष्णाम कृष्ण के विषय में, तत आगमन उनके आगमन की कांक्षिताह आकांक्षा करती हुई। अनुवाद, गोपियां फिर से कालिंदी के किनारे आ गईं, कृष्ण का ध्यान करते तथा उत्सुकता पूर्वक यह आशा लगाए कि वे आएंगे ही, वे उनके विषय में गीत गाने के लिए एक साथ बैठ गईं। तात्पर्य, जैसा कि कथा उपनिषद में कहा गया है, यमे वैश्य विगुते तेन लभ्यः, परमात्मा की अनुभूति उसी को हो सकती है जिसका वे चुनाव करते हैं। इस तरह गोपियां
उत्कटता पूर्वक प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण उनके पास वापस आ जाएं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज नामक 30वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतमरंदस्याघ्यनंजनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात् देशतारिणे पञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we just heard the translation and purports for the final five verses of this chapter number 30 from the 10th canto. This chapter is entitled The Gopi's Search for Krishna. तो अभी ही हमने सुना तात्पर्य और अनुवाद जो आखिरी पांच श्लोक हैं इस अध्याय 30 के 10वें स्कंद के जिसका शीर्षक है गोपियों की खोज कृष्ण के लिए। So Lord Krishna had called the gopis into the forest in the full moon night in the month of Sarat and on the occasion of Sarat Purnima, the Lord invited the gopis to come for Rasa Lila. तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वन में बुलाया था पूर्णिमा की रात, शरद मास की पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने गोपियों को आमंत्रित किया था रासलीला के लिए। And the Lord, by His own mystical potency, was able to dance with each of the gopis, and each of the gopis was thinking, Krishna is dancing with me. तो भगवान अपने रहस्यमय शक्ति के कारण हर एक गोपी के साथ नृत्य कर सकते थे और हर गोपी सोच रही थी कि कृष्ण केवल उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। And Lord Krishna, sensing the pride of the gopis, he wanted them to become humble and he disappeared from their midst. तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अभिमान का उनको पता पड़ा और वे चाहते थे कि वो विनम्र बने और इस कारण से वे वहां से गायब हो गए। So the gopis then began to search for Krishna and they were looking everywhere for Krishna and at a particular point in their search they saw the footprints of Lord Krishna. तो गोपियां इस प्रकार कृष्ण को खोजने लगी और हर स्थान उन्हें ढूंढने लगी और अपने खोज में एक समय उन्होंने कृष्ण के पदचिन्ह ढूंढ लिए। And then they saw there was another set of footprints along with Krishna, and these footprints were of a lady, a young gopi. और उन्होंने फिर एक और पदचिन्ह ढूंढे और ये पदचिन्ह एक युवा गोपी के थे। So the initial reaction of the gopis, at first they were feeling a little envy that this other gopi, she must have served Krishna better than us. That she is so pleasing to Krishna, that Krishna has gone off with her and left all of us alone. तो पहले उनका जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया था दूसरे गोपी के पदचिन्ह ढूंढने पर उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई कि ये जो दूसरी गोपी है इसने कृष्ण की और बेहतर सेवा की होगी और इसलिए ये कृष्ण को अधिक प्रिय है और कृष्ण उसके साथ चले गए हैं हमें यहाँ अकेला छोड़कर। And then it happened that the gopis, as they searched,
they met this one gopi who had been with Krishna, and they found that Krishna had also left her. तो फिर इन्होंने जैसे खोजा तो उन्होंने ये गोपी को ढूंढ लिया जिस एक गोपी के साथ कृष्ण चले गए थे. So in the beginning, they were at first envious of this gopi, but when they saw that she had also been deserted by Lord Krishna, then they felt sorry for her. तो पहले शुरुआत में वे भी इस गोपी से ईर्ष्या कर रहे थे, परंतु जब इन्होंने देखा कि कृष्ण इस गोपी को भी छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें इस गोपी के लिए भी बुरा लगा. Srila Prabhupada writes in the Krishna book, and in relation to this pastime, he said, this is the test of Krishna consciousness, that we should not feel this envy of another devotee. So Srila Prabhupada ji is vishay mein likhte hain Krishna pustak mein ki ye jo leela hai Bhagwan ka, isme bataya gaya hai ki ye hum kaise hamari pariksha hoti hai Krishna bhavna amrit mein, hame dusre bhakt se kabhi irsha mehsoos nahi karni chahiye. They were sympathetic to her. They appreciated that because of her wonderful qualities, Krishna was attracted to her. But then they were also sympathetic to her when Lord Krishna had separated himself from her. तो वे उनके प्रति सहानुभूति कर रहे थे. तो पहले उनके अद्भुत गुण जब उन्हें पता पड़े कि उसके कारण वे कृष्ण को आकर्षित कर पाई हैं, तो पहले उन्हें ईर्ष्या हुई, परंतु ये जान के कि कृष्ण उनसे भी दूर हो गए, वे उनसे सहानुभूति करने लगे. So of course this other gopi who Krishna had gone on his own with, this is Srimati Radharani, and she told the other gopis how Lord Madhava had given her so much respect. तो बेशक ही जो ये दूसरी गोपी जिसके साथ कृष्ण चले गए थे वो थे श्रीमती राधा रानी, और उन्होंने अन्य गोपियों को बताया कि कैसे भगवान माधव ने उन्हें इतना सम्मान दिया था. And Krishna was picking flowers from the tree and placing them in her hair, decorating her with forest flowers, and in this way he was showing her so much honor and respect. तो कृष्णा उनके लिए पेड़ से फूल चुन रहे थे, उनके बालों में लगा रहे थे, उनको सजा रहे थे जंगल के फूलों के साथ, और इस प्रकार उन्हें बहुत आदर और सम्मान दे रहे थे. And then Srimati Radharani had said to Krishna that I'm very tired from the dancing, because they've been performing Rasa Leela, they've been taking part in the Rasa dance. So Srimati Radharani expressed her tiredness, and she requested Lord Krishna that you please take me on your shoulder and carry me, and you can take me wherever you like. तो फिर श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि मैं इस रासलीला में भाग लेके बहुत थक गई हूँ. तो वे रासलीला कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अपने थकान के विषय में कहा, और फिर उनसे अनुरोध किया कि वे राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लें, और उन कंधे पर रख के वे जहाँ चाहे उन्हें ले जाए. So in the purport by our commentators, they say that it was natural for Srimati Radharani to request Krishna to carry her. तो तात्पर्य में हमारे टिप्पणीकार लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी के लिए ये स्वाभाविक था कि वो कृष्ण को अनुरोध करें कि वे उन्हें उठाएं. They say this request was consistent with the loving mood of their relationship. तो वे कहते हैं कि ये जो उनका अनिरोध था वे बिल्कुल एक जैसा ही था उनका जो प्रेम का मनोभाव है उनके संबंध में. So Srimati Radharani has her own particular mood which gives so much pleasure to Lord Krishna. तो श्रीमती राधा रानी का के अपना एक विशेष मनोभाव है जो कृष्ण को बहुत आनंद देता है.
Of course, but Srimati Radharani also has her competitors, like Chandravali is a competitor to Srimati Radharani. Srimati Radharani has her team of gopis, and Chandravali has her own team of gopis. And there's always some competition between the two teams to get Krishna. बेशक ही श्रीमती राधा रानी के और अन्य प्रतियोगी भी हैं, जैसे कि चंद्रावली एक प्रतियोगी है श्रीमती राधा रानी के लिए, तो श्रीमती राधा रानी को अपना समूह है और चंद्रावली को अपना समूह है, और कभी कभी ये आपस में प्रतियोगिता करते हैं कृष्ण को पाने के लिए. In Chaitanya Charitamrita, during the time of the Harapanchami festival, which takes place during the Rath Yatra, then there was a conversation between Swarup Damodar Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, Sri Chaitanya Charitamrita mein, हीरा पंचमी महोत्सव के समय, जो रथ यात्रा महोत्सव के दौरान ही होता है, वहां पर एक बातचीत थी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में. Because they'd witnessed the goddess of fortune and they saw her in her angry mood come to the temple of Gundicha and arrest the servants of Lord Jagannath. And they thought the goddess of fortune, her angry mood was very unusual. Because when a woman is angry, the usual way is they take off their ornaments and they will dress in old cloth and they will, their hair will be dishevelled, and in this way they will express their anger. But the goddess of fortune, and just the opposite way, she was fully dressed with ornaments and jewellery and all kinds of nice cloth. क्योंकि उन्होंने ये बातचीत की थी, क्योंकि उन्होंने देखा था जो लक्ष्मी देवी हैं, जो भाग्य की भगवान है, वे बहुत ही क्रोधित मनोभाव में थी गुंडिचा मंदिर में, और उन्होंने जो जगन्नाथ के सेवक हैं उनको गिरफ्तार कर दिया था. तो उनका ये जो क्रोध की मनोभाव थी ये थोड़ी अलग थी, असामान्य थी, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जब एक स्त्री क्रोध में आती है तो वो अपने आभूषण को उतार देती है, पुराने कपड़ों में आ जाती है, उनके बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं. परंतु यहाँ पर जब लक्ष्मी देवी क्रोध दिखा रही हैं तो ये विपरीत है, वे सही आभूषण में है, सही कपड़ों में है. Just like in Ramayana, there's an incident where Kaikeyi wants to get her boon from Maharaj Dasarath. So she goes into mourning and she takes off all of her jewelry and puts on an old cloth and unties her hair. And in this way she expresses her anger to Maharaj Dasarath. तो इसी प्रकार का वर्णन हमको रामायण में मिलता है. ये घटना में जब कैकी है वो दशरथ से ये वरदान देना चाहती थी तो वो बिल्कुल शोक की मनोदशा में आ गई थी. वे अपने आभूषणों को निकाल देती है, पुराने वस्त्रों में आ जाती है, बालों को खोल देती है और इस प्रकार अपना क्रोध व्यक्त करती है. So in the Chaitanya Charitamrita, it was as Swarup Damodar is quoted as saying that there are two natures of gopis. One is the right wing gopi and the other is the left wing gopi. Shri Chaitanya Charitamrita mein Shri Swarup Damodar kehte hain ke do prakar ke swabhav hain gopiyon ke, ek daya swabhav hai aur ek baya swabhav hai. Now both of these modes give great pleasure to Krishna and increases ecstatic love. और ये जो दोनों मनोभाव है कृष्ण को अत्यंत आनंद देते हैं और उनकी प्रेम भावना को और बढ़ाते हैं. The right wing gopis are very humble and obedient and submissive and they take great pleasure in the words of their lover. तो जो दाएं पक्ष की गोपियां हैं
वो बहुत आज्ञाकारी हैं, विनम्र हैं और बहुत आनंद लेते हैं अपने प्रेमी के शब्दों में. And the left-wing gopi, they have the mood of jealous anger, and when they're defeated, then it increases their mood. But when they're defeated by their lover, then it increases their anger, and their anger is a source of great pleasure for the lover. So, और जो बाएं और की गोपियां हैं, वो जो बाएं मनोदशा की गोपियां हैं, उनमें एक अलग ही ईर्ष्यालु क्रोध होता है, और जब वो अपने प्रेमी द्वारा हराई जाती हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ता है, और जब उनका क्रोध और बढ़ता है, तो ये उनके प्रेमी के लिए आनंद का एक बहुत ही महान स्रोत होता है. So Srimati Radharani, she is described as belonging to the left-wing gopis, that she is enthusiastic to have this jealous anger. And by this jealous anger of her in her nature, she is able to give so much pleasure to Lord Krishna. तो जो श्रीमती राधा रानी है उनको वर्णित किया गया है, वो बाएं मनोदशा वाली गोपी है, तो बहुत उत्साही होती है इस ईर्ष्यालु क्रोध को जागृत करने के लिए, और जब वो ऐसा स्वभाव जागृत करती है तो कृष्ण को बहुत आनंद देने में सक्षम होती है. So it's described in this section of Srimad Bhagavatam, we heard how she'd requested Lord Krishna to carry her, and then Lord Krishna had just disappeared from her and left her on her own in the middle of the deep dark forest. तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कहती हैं उन्हें उठाने के लिए, और जब वो उन्हें उठा लेते हैं तो फिर कृष्ण गायब हो जाते हैं और उन्हें गहरे अंधेरे भरे जंगल के बीच में छोड़ देते हैं. So Krishna had left her, by his leaving her, she is dishonored. And the reason why she's being dishonored is because of her misbehavior. तो क्योंकि कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार छोड़ दिया, तो ये छोड़कर कृष्ण उन्हें अस्वीकृत कर रहे हैं, और उन्हें अस्वीकृत करने का कारण है उनका दुर्व्यवहार. Actually, it was not so much misbehavior on the part of Srimati Radharani, it was natural in their loving relationship. But Krishna wants to enjoy pastime, he wants to enjoy the Leela Shakti. So, vastav mein Radharani ke taraf se koi durachar nahi tha, parantu ye kyunki ye Radharani ke liye is prakar ka vyavhar swabhavik tha. परंतु कृष्ण उनके प्रेम में संबंध में ये लीला का आनंद उठाना चाहते हैं, वो ये लीला शक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं. So when Krishna left Srimati Radharani, she was made humble, and the other gopis come and they found her on her own, and they can understand Krishna had left her. So she describes herself that Lord Krishna has left me because I'm wicked. तो जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को छोड़ के गए, तो इस कारण से उन्हें विनम्र होना पड़ा, और जब दूसरी गोपियों ने उन्हें खोज लिया, तो उन्होंने वर्णन किया कि कैसे कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि राधा रानी कहती हैं क्योंकि मेरा स्वभाव शैतानी था, इसलिए कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं. It's almost contrary to the mood which we would expect from Radharani, because we are told that Srimati Radharani is left-wing and she has the mood of jealous anger. We would expect her to become angry that Krishna has left her, but she's become very humble and she's blaming herself. तो वास्तव में ये बिल्कुल विरोध है, जिस प्रकार के विपरीत है जिस प्रकार का स्वभाव हम राधा रानी से जिसकी अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि वो बाएं समूह वाली गोपी हैं, तो हम सोच सकते हैं कि जब कृष्णा ऐसे करेंगे तो उनकी ईर्ष्या बढ़ जाएगी और एक ईर्ष्यालु क्रोध प्रकट होगा, परंतु यहाँ विपरीत दिख रहा है, वे विनीत और विनम्र हो गई हैं और अपने आप को ही कृष्ण के वहां से जाने के लिए दोष दे रही हैं. So the gopis, together with Srimati Radharani, they continue their search in the forest to look for Lord Krishna.
and the forest becomes very dark and very dense, and they cannot even see the light of the moon. तो फिर गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी साथ मिलकर कृष्ण की खोज करने लगती हैं, और जो वन है वो बहुत अंधेरा भर जाता है, वन में बहुत घना लगने लगता है कि चंद्रमा की रोशनी भी नहीं दिख रही है. So it was so dense and dark they could no longer see the footprints of Lord Krishna. So they decided we better turn back. तो जंगल जो वन है इतना घना और अंधेरा छा गया था वहाँ कि कृष्ण के पदचिन्ह अब उन्हें नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया बेहतर होगा हम पीछे मुड़ जाएं. So externally, the reason for them turning back was because it was so dark. But internally, there was another reason why they turned back. तो बाहरी कारण उनके वापस मुड़ने का ये था कि घना अंधेरा छा चुका था, परंतु वापस मुड़ने का आंतरिक कारण कुछ और ही था. The internal reason was that they understood that this Krishna is very dark-skinned, and he's hiding himself in this dense dark forest, so we cannot see him. And if we keep chasing him, he will go deeper and deeper into the forest, and we will give him more trouble. He must already be tired from our Rasa Leela, from our dancing with him. And if we keep chasing him in the forest, then we will just make him more tired. So we don't want to give him more trouble. We should go back. तो उनके वापस जाने का अंतरंग कारण ये था कि वो समझ गई थी कि कृष्ण बहुत गहरे रंग के हैं, और ये घना जंगल भी और अधिक गहरा होते जा रहा है, घना होते जा रहा है, तो अब हम उसे नहीं देख पाएंगे, और यदि फिर भी हम उसका पीछा करते रहे तो कृष्णा जंगल के और घने भागों में प्रवेश करते जाएंगे. और वे कृष्ण को ये कष्ट नहीं देना चाहती थी, वे सोच रही थी कि कृष्ण पहले ही थके हुए होंगे रासलीला करके हमारे साथ नाच के, और अगर इस प्रकार हम उसका पीछा करते रहें तो उसको और थकाएंगी, तो इस प्रकार वो कृष्ण को ये कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए वे वापस मुड़ी. So the mood of the gopis is that they're always thinking about giving pleasure to Krishna. They had come into the forest in the dead of night on this full moon night, not for their own pleasure, but for the pleasure of Krishna. They were simply thinking that we want to give some pleasure to Krishna. तो जो गोपियों की मनोवृत्ति है, मनोदशा है, वो हमेशा इस प्रकार है कि वे सोचती हैं कि किस प्रकार हम कृष्ण को आनंद दे सकें. ये जो घोर रात्रि में, जो पूर्णिमा की रात्रि में ये यहाँ पर आई थी, वे अपने लिए नहीं आई थी, वे केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए आई थी, और हमेशा वे बस सरलता से यही सोचती रहती हैं कि कैसे हम कृष्ण को आनंद दे पाएं. Whatever actions the gopis perform, their only thought is to give pleasure to Krishna. They have no other thought, no other motivation. तो जो भी कार्य गोपियां करती हैं, उनका एक ही विचार होता है इसके पीछे कि वे कैसे कृष्ण को आनंद दे पाएं, और कोई विचार या प्रेरणा नहीं होती उनके कार्यों में. So they came back from the dense dark forest, and they came back into the lighter region under the light of the moon, and their minds were all just simply thinking of Krishna, and they began to speak more about Krishna. तो वे इस घने काले घने हिस्से के वन से बाहर निकल आईं, जहां वन का हिस्सा थोड़ा हल्का था, जहां चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, वहां आ गईं, और उन सभी का मन कृष्ण के विषय में ही सोच रहा था, तो कृष्ण के बारे में और अधिक बात करने लगी. And as they conversed, as they were talking about Krishna, they began to remember his different pastimes. In some of the different pastimes, they would perform themselves, they'd re-enact just the different things, the different leelas which Lord Krishna had done. तो जैसे वे अपने आप में बातचीत कर रही थी, तो वे कृष्ण की अन्य लीलाओं का स्मरण करने लगी.
और इतना ही नहीं, केवल लीलाओं का स्मरण नहीं, कई तो लीलाएं वे खुद ही उनका प्रदर्शन करने लगी, और ये याद करते हुए कि ये लीलाएं कृष्ण ने की थी। Now, we would imagine that with Lord Krishna separate, going away from them, that they would think, oh, I better go home, or my husband will be at home, or my parents will be looking for me, they'll wonder where I've gone, I should go back, I better go back. But they had no thought, they'd completely forgotten about their homes. तो हम सोच सकते हैं या शायद कल्पना करेंगे कि कृष्णा उनसे दूर चले गए, तो ये गोपियां सोचेंगी, ओ मेरे लिए बेहतर होगा मैं वापस घर चली जाऊं, मेरा पति घर में होगा, मेरे माता पिता मेरे लिए खोज रहे होंगे, तो बेहतर है मैं वापस घर चली जाऊं। परंतु नहीं, वे अपने घर परिवार के बारे में तो सब कुछ भूल चुकी थी, वो केवल कृष्ण का ही स्मरण कर रही थी। And they were able to forget about the things which were most attached to the family, the home, the relatives, the children. They left all of these things. They forgot about them because they were so full in thinking about Lord Krishna and his transcendental pastimes and qualities. So, वे इन सभी चीजों को भूल चुकी थी जिनसे वे आसक्त थी, जैसे कि उनका परिवार, उनका घर, उनके सगे संबंधी, उनके बच्चे, वे सब इनको छोड़ आई थी। वो केवल पूर्णता से कृष्ण के विषय में सोच रही थी और उनके दिव्य लीलाओं के विषय में सोच रही थी। So although Krishna had abandoned the gopis were connected to Krishna through the process of hearing and chanting. तो हालांकि कृष्ण गोपियों को त्याग करके जा चुके थे, गोपियां कृष्ण से अपना संपर्क फिर भी जोड़ी हुई थी श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। So this is a very important part of this pastime here, which is being told to us by Sukadeva Goswami, that he's stressing to us the importance of taking shelter of this process of hearing and chanting. So, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस लीला का जो शुकदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं, कि वो यहाँ पर जोर डाल रहे हैं श्रवण और कीर्तन का आश्रय लेने के महत्व पर। Just like Srila Prabhupada would say when he was sitting in New York in the 1960s, when he was beginning the Krishna consciousness movement, he would tell people, I am not in New York, I'm always in Vrindavan. Because I'm always thinking of Krishna. तो शिला प्रभुपाद जी जैसे कि कहा करते थे, जब वे न्यूयॉर्क में बैठे हुए 1960 के वर्षों में इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे, तो वो कहते थे मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूँ, मैं हमेशा वृंदावन में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ। So the gopis, they have this connection with Krishna through the process of chanting and hearing. And they're very fixed in this process. Although they're feeling the fire of separation from Krishna, they turn to the holy name and they take shelter of the hearing and chanting of his pastimes. So, gopiyon ko is prakar ka संपर्क है कृष्ण के साथ कि उन्होंने पूर्ण रूप से आश्रय लिया है श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया का, और वे इसमें बहुत स्थिर हैं। हालांकि उन्हें कृष्ण से दूरी की अग्नि महसूस हो रही है, परंतु फिर भी वो आश्रय लेती हैं भगवान के नाम का और आश्रय लेती हैं कृष्ण की लीलाओं के का श्रवण और कीर्तन का। People would often come to Prabhupada and they would ask Srila Prabhupada, have you seen God? Have you seen Krishna? And Prabhupada was saying, everybody can see Krishna. So Srila Prabhupada ji ke paas kafi samay vyakti aate the aur poochte the, kya aapne Bhagwan ko dekha hai? Kya aapne Krishna ko dekha hai? Aur Srila Prabhupada ji kehte the, har koi Krishna ko dekh sakta hai. Everyone can chant the holy name of Krishna. Krishna is not different from his name.
हर कोई कृष्ण का पवित्र नाम का जप कर सकता है और कृष्ण अपने नाम से भिन्न नहीं है. One devotee was giving class one time in front of Srila Prabhupada and he was describing the glories of the holy name. So he happened to say Krishna is in his name. But Prabhupada immediately corrected him and said, no, it is not that Krishna is in his name. He said Krishna is his name. They are not different. So, ek bar ek katha kar raha tha. और शिला प्रभुपाद जी के सामने ये कथा कर रहा था और भगवान के पवित्र नामों के महिमा का वर्णन कर रहा था और उन्होंने कथा में कहा कि कृष्णा अपने नाम में है. तो शिला प्रभुपाद जी ने तुरंत उन्हें सही किया और कहा नहीं, कृष्णा अपने नाम में नहीं है, कृष्णा अपने नाम ही है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है. सो दिस इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ चैंटिंग द होली नेम. We want to taste ecstasy, we want to taste bhava, we have to realize how the holy name of Krishna is not different from the Lord himself. So, ye jo hai, ye bahut unnat avastha hai Bhagavat naam ke jap ki. Agar humko ye Paramanand ka anubhav karna hai, is bhav ka anubhav karna hai, to hame is baat ka sakshatkar karna hoga ki kis prakar Krishna ka naam unse alag nahi hai. So the holy name is Chintamani, it's a wish fulfilling touchstone. We have to take shelter of Lord Krishna through his holy name. But Krishna also appears in other forms. Prabhupada said, who has not seen the light of the sun, the light of the moon, the taste of water? This is also Krishna. Everyone can see Krishna. He's in everything, everywhere. तो ये भगवान का पवित्र नाम चिंतामणि है, ये वो चिंतामणि है जो हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है. और कृष्णा इसके अलावा अलग अलग रूपों में भी आते हैं. शिला प्रभुपाद हैं कि किसने सूर्य की रोशनी नहीं देखी है, किसने चंद्रमा की रोशनी नहीं देखी है, किसने पानी का स्वाद नहीं चखा है. तो ये सब कृष्ण के अन्य रूप हैं, हर कोई कृष्ण को देख सकता है. However, on other occasions, Srila Prabhupada would say, he would quote the words of his own spiritual master and say, don't be so eager to see Krishna, but act in such a way that Krishna will come to see you. So, अन्य अवसरों पर Srila Prabhupada ji कहते थे अपने ही Guru Maharaj का श्लोक बताते हुए कि आप कृष्ण को देखने के लिए इतना उत्सुक मत रहिए, परंतु इस प्रकार कार्य कीजिए कि कृष्ण आपको देखने आए. So similarly here in this situation, the gopis, they are also showing us how to act, what is the proper behavior in order to attract Krishna. तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस लीला की स्थिति में गोपियां हमें दिखा रही हैं कि क्या सही व्यवहार होगा, क्या करना होगा कि हम कृष्ण को आकर्षित कर सकें. The gopis have come to the bank of the Kalindi and they're meditating on Krishna and they're praying, hoping that he will come. तो गोपियां यहाँ पर कलिंदी के तट पर आ गई हैं और कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, ये उम्मीद में कि कृष्ण आएंगे. And they sit down and they sing songs about Krishna because they know that by chanting the names of the Lord and the glories of the Lord, then they can attract the mercy of the Lord. तो वे यहाँ पर बैठी हुई हैं और कृष्ण के संबंध में गीत गा रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि कृष्ण का नाम लेकर और कृष्ण के महिमा का गुणगान करके वो कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकती हैं. Right? The acharyas in the purport to this final verse of the chapter, they've given this verse from the Katha Upanishad, which says that the super soul can be realized by that person whom he chooses. In other words, whom it's Krishna chooses who's going to realize him. So, acharya, आखिरी जो श्लोक है इस अध्याय का उसके तात्पर्य में बताते हैं कथा उपनिषद से वर्णन करते हुए
कि जो परमात्मा है उस साक्षात्कार वो व्यक्ति कर सकता है जिसको परमात्मा चुने। दूसरे शब्दों में परमात्मा चुनेगा कौन उनका साक्षात्कार कर सकता है। So the gopis prayed that Krishna would come back to them, and their prayer was in the chanting of his holy name and discussing of his wonderful qualities. तो गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्णा वापस उनके पास आएंगे, और वो प्रार्थना कर रही हैं ये पवित्र नाम का जप करके और कृष्णा के अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए। So in this way, they're getting the association of Krishna by remembering his transcendental form and qualities. It's bringing about remembrance of Krishna. तो इस प्रकार से वे कृष्णा का संग प्राप्त कर रही हैं, कृष्णा के दिव्य रूप और उनके गुण का स्मरण करते हुए, कृष्णा के दिव्य गुण और उनका रूप कृष्णा को वापस वहां उनके बीच ले आ रहा है। Just like when we chant the holy name, the chanting of the holy name is a prayer. It's a prayer to be engaged in service, but it's also the answer to our prayer. Because by chanting the holy name, we're being engaged in Krishna's service. So, जैसे कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, ये एक प्रार्थना है भगवान से कि वो हमको अपनी सेवा में लगाएं। और प्रार्थना होने के साथ साथ ये इस प्रार्थना का उत्तर भी है, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हम भगवान की सेवा में भी लगते हैं। And here it's a similar situation with the gopis, that they're remembering Krishna's pastimes, they're reenacting his activities, and in this way they're feeling Krishna's presence. Although they're feeling separation from Krishna, at the same time they're feeling also Krishna's presence through the power of his holy name and remembering his pastimes. तो यहाँ पर इसी सामान्य प्रकार की ही स्थिति है कि गोपियाँ कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, फिर से उन लीलाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। और ऐसा करते हुए कृष्ण की उपस्थिति वहां महसूस कर रही हैं, हालांकि वो कृष्ण से दूरी या जुदाई भी महसूस कर रही हैं, परंतु साथ साथ कृष्ण की वहां उपस्थिति भी महसूस कर रही हैं उनके पवित्र नाम के पूर्ण शक्ति द्वारा और उनके लीला स्मरण द्वारा। So the gopis are teaching us this process of Shravanam Kirtan Vishnu by their own example. And they're showing us how we can also have the association of Lord Krishna. तो गोपियाँ यहाँ हमें सिखा रही हैं श्रवण कीर्तनम विष्णु की प्रक्रिया, और हमें सिखा रही हैं कि कैसे हम भी कृष्ण का संग प्राप्त कर सकते हैं। Of course, there has to be quality in everything. There's the modes of nature, and as devotees, we are concerned to transcend the modes of nature. So our hearing and chanting, our devotional service, has to be pure. It has to overcome the modes of nature. तो बेशक इसके साथ साथ हर कार्य जो हम करते हैं उसकी एक गुणवत्ता भी होती है। तो हम जानते हैं कि तीन प्रकृति के गुण हैं और हमें इनके ऊपर उठना है। तो हमारे श्रवण और कीर्तन और जो भी भक्ति हम करते हैं ये शुद्ध होनी चाहिए, और हमें इन तीन गुणों से ऊपर उठ के ये कार्य करने चाहिए। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर आवर एंजॉयमेंट। आवर पोजीशन इज टू सर्व हिम, टू प्लीज हिम, टू गिव प्लेजर टू हिम। तो कृष्णा हमारी आनंद भोगने की कोई वस्तु नहीं है, परंतु हमारी वास्तविक स्थिति है हम उनके दास हैं, और हमारा कर्तव्य है उनको आनंद देना। And the gopis highlight this mood of sacrificing everything, sacrificing their own name and position and respectability, their chastity. They give up everything for the pleasure of Krishna. तो यहाँ पर गोपियाँ इस भावना को दर्शा रही हैं, वे हर चीज का त्याग कर रही हैं, अपने नाम का, अपने पद सम्मान का, अपने शुद्धता का, जो भौतिक शुद्धता है, हर चीज का त्याग कर रही हैं
केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए. But we should understand these gopis are not just ordinary little girls. They are, in their past life, they were, many of these gopis were great sages. तो हमें ये भी समझना है कि ये गोपियाँ कोई साधारण छोटी लड़कियाँ नहीं हैं. अपने पहले जन्म में ये महान संत थीं. We have the sages of Dandakaranya who had seen Lord Ramachandra. In the Treta Yuga, they'd seen Lord Ramachandra there and they'd been attracted to have an amorous relationship with them. So at that time, Lord Ramachandra accepted their desire to come in the next lifetime, to come as gopis and to take part in his pastimes. So, हमने सुना है कि उनमें से कई गोपियां दंडकारण्य की ऋषि मुनि थे जो जिन्होंने कृष्ण को देखा था भगवान रामचंद्र के रूप में त्रेता युग में और उनसे माधुर्य संबंध की इच्छा बताई थी और कृष्ण ने उस इच्छा को भगवान रामचंद्र ने उस इच्छा को स्वीकार किया था और कहा था कि अगले जन्म में वे गोपियां बनेंगी और भगवान के लीलाओं में भाग लेंगी. So one group of gopis are coming from the sages of the Dandakaranya forest and they took their birth in the families of Vrindavan and the family took birth as gopis in the family of the cowherd people so that they could take part in Krishna's pastimes. So, ek samuh gopiyon ka ye hai jo sant the Dandakaranya van mein to unhone janam liya tha Vrindavan ke parivaron mein gopiyan bankar aur ye janam unhone liya tha sabhi jo gop hain unke parivar mein. Then you have another group of gopis, they're the personified Vedas, because the personified Vedas also desire to take part in Krishna's pastimes. Initially, they thought they could just come there and take part, just by dint of their austerities and their purity. But then they found that they actually had to take birth in the family of the cowherd people and become gopis, and then they could actually join in the pastimes of Lord Krishna. तो दूसरा समूह जो है गोपियों का वो वेद जो है उनका व्यक्तिगत रूप है तो उन्होंने भी इच्छा की थी कि वे कृष्ण के लीला में भाग ले सके तो पहले उन्होंने सोचा था कि वे वहां पर स्वयं आ सकेंगे अपने तपस्या और पवित्रता के बल पर परंतु नहीं उन्हें भी जन्म लेना पड़ा था. जो गोप गोपी के परिवार हैं वृंदावन में उनमें गोपियों तरह की तरह जन्म लेना पड़ा था और फिर वे शामिल हो सकी कृष्ण के लीलाओं में. Right, the Veda personified, and we usually say Shruti Charat, right? Yeah. It's the name of the Veda, technical name for the Veda personified. So they're also very great sages, big. You know, and then you have other gopis who come from the spiritual world. They are coming with Krishna from the spiritual world just to take part in the pastimes of the Lord here in Bhumandala, in Earth. तो जिस प्रकार हमने देखा ये वेद का व्यक्तिगत स्वरूप थी कई गोपियाँ जैसे हम इनको नाम भी देते हैं श्रुति चरण ये इनका तकनीकी नाम है. तो ये महान संत हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य गोपियां थीं ये आध्यात्मिक जगत से आई थीं कृष्ण के साथ आई थीं कृष्ण के लीलाओं में भाग लेने के लिए इस भूमंडल पे पृथ्वी पे. And other gopis are they're just becoming perfect and on their way back to Godhead. So in this way we want to understand how these gopis are very, very special enlightened souls who have been specially chosen to take part in Lord Krishna's pastimes. So, और जो दूसरी गोपी हैं, वे इनमें से कई गोपियां हैं जो अभी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर रही हैं उनकी यात्रा वापस भगवत धाम उस यात्रा पर. तो इस प्रकार हमें समझना है कि कैसे ये गोपियां बहुत बहुत विशेष प्रबुद्ध आत्माएं हैं जिन्हें भगवान की लीलाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान हुआ था. And we read
from 10th canto, we read how Lord Brahma prays that in a future lifetime he can take birth in Vrindavan, even as a bush or a tree, an insignificant plant. He doesn't feel qualified to take birth as a gopi, but if he could even take birth as a plant or a tree there, he feels it would be very great fortune for him. आगे हम पढ़ते हैं दसवें स्कंद में कि कैसे ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कोई भविष्य के जन्म में उन्हें जन्म प्राप्त हो, अगर एक पेड़ का, एक छोटे से पौधे का, तो इस प्रकार अगर कोई बहुत ही महत्वहीन छोटा पौधा भी वे बन सके तो वे वो जन्म चाहते हैं। वे अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं गोपी के जन्म के लिए, परंतु वो कहते हैं अगर इस प्रकार कोई छोटा पौधा, कोई वृक्ष भी मैं बन जाऊं तो ये वृंदावन में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। And similarly, Uddhava also, Uddhava prays that he can also take a birth in Vrindavan, be connected somehow to these people, the cowherd people of Vrindavan, understanding how they're the most fortunate, they're the most elevated, most enlightened souls. So, इसी प्रकार से उद्धव भी प्रार्थना करते हैं कि कैसे मैं कैसे उन्हें भी जन्म प्राप्त हो वृंदावन में, कि वे भी संपर्क में आए इन गोपियों के और गोप के, वृंदावन के, जो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो बहुत ही उन्नत प्रबुद्ध आत्माएं हैं। And as these gopis are very special, the holy land of Vrindavan is also very, very special. So, जैसे ये गोपियाँ बहुत विशेष हैं, उसी प्रकार से वृंदावन की पवित्र भूमि भी बहुत विशेष है। Because that the dust of the holy dham is blessed with the atoms from the lotus feet of Lord Krishna when he performed his pastimes there 5,000 years ago. क्योंकि ये जो वृंदावन का पवित्र धाम है, इसमें कृष्ण के कमल चरणों के परमाणु अभी तक हैं, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर 5,000 वर्ष पहले लीलाएं की थी। Okay, so we will stop here. We'll ask if there's any questions. तो हम यहाँ कथा विराम करेंगे और पूछते हैं कि यदि किसी को कोई प्रश्न है तो अभिषेक प्रभु आप सबके माइक्रोफोन खोल सकते हैं, तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी भक्तों से निवेदन है कि अपना माइक्रोफोन खोलकर या हाथ उठाकर अपनी जिज्ञासा महाराज जी के साथ बता सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। I have a question. Did all the gopis remember that what they were in past life? Did they had consciousness or they had forgotten? They were just acting the role of gopis, or they knew that they were rishis and they were such elevated souls. So please guide us, help us to know that. So, ये माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये जो गोपियाँ थीं, क्या इनको अपने पहले जन्म याद थे या वो अपने पहले जन्म भूल चुकी थी और अब से केवल गोपियों की भूमिका निभा रही थी? क्या उन्हें याद था कि वो पहले जन्म में ऋषि थे या बहुत श्रेष्ठ उन्नत आत्माएं थी? तो इस विषय में कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Well, we see sometimes when the gopis are speaking, they're expressing certain things which reveal that they do know a lot more than what we would expect little girls in a village to know, and we're surprised, how is it they can offer such wonderful prayers, how is it they can recite so many wonderful things about the Lord, that it's not just so normal for young children. So हम देखते हैं कई समय कि जब गोपियां बात कर रही हैं, वे जब बोल रही हैं, तो बहुत गहरी बातें भी व्यक्त करती हैं अपनी बातचीत में, और ये बातें बहुत गहरी हैं, और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि छोटी लड़कियां एक गांव की ये सब जाने।
इसलिए हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार ये इतनी अद्भुत प्रार्थनाएं कर रही हैं, कितने अद्भुत चीजों का उच्चारण कर रही हैं भगवान के विषय में, और ये सामान्य नहीं है छोटे बच्चों के लिए करना। But for the sake of the Lord's pastimes, that remembrance of past lives will be taken away or be covered up, so that they can enjoy more, they can enter more into the lila of actually being the lovers of the of Lord Krishna. परंतु भगवान के लीला के कारण ये जो उनके पहले जन्मों का स्मरण है ये ढक दिया जाता है ताकि लीला में अधिक आनंद उठा सके और जो भगवान की लीला है उसका अधिक आनंद प्राप्त कर सके भगवान के प्रेमियों की तरह। Now, if they would remember their previous life, then they would also be understanding more that Lord Krishna is not just the son of Nanda Maharaj, but he's the Supreme Personality of Godhead. And that would ruin the whole rasa which they enjoy with Krishna. तो अगर ये अपने पहले के जन्म का स्मरण करती तो उन्हें याद रहता कि कृष्ण केवल नंद महाराज के पुत्र ही नहीं परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान है और ये फिर उनके जो पूरे लीला का आनंद है उसको बर्बाद कर देता। I was just recently reading the Brihad Bhagavatamrita and there Sanatana Goswami describes how in the heavenly planets the relationship between Lord Vamanadev and the Aditi and the other people there in Swarg, that it's not like Krishna and Vrindavan. You can't compare it. Although Lord Vamanadeva is also the Supreme Personality of Godhead, but there's so much opulence there because they know Lord Vamanadeva is the Supreme Lord. So there's so much respect and veneration. Yeah, hello, you can hear me? महाराज कह रहे हैं कि वो हाल ही में बृहद भागवत अमृत पढ़ रहे थे और उसमें सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार स्वर्गीय लोकों में जो संबंध है वामन देव और अदिति और अन्यों के बीच में, वो जो कृष्णा और उनके भक्तों के बीच में संबंध है वृंदावन में, उससे बहुत अलग है। हालांकि वे जानते हैं भगवान वामन देव भी परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, परंतु वहाँ इतना ऐश्वर्य है तो उनके संबंध में ज्यादा आदर और सम्मान होता है। So do the gopis remember their previous lives? We don't know about that, and there's no indication of any gopi saying that in my previous life I was this, because that's not what they want. They want to they're in this rasa, they're in this lila with Lord Krishna and their gopis. And if they go back into that other rasa, then there won't be the pleasure. There won't be the same ecstasy. तो क्या ये गोपियों को स्मरण है अपने पहले जन्म का? तो हमें पता नहीं और इस बात का कोई संकेत भी नहीं है। पहले लाइफ अगर वो सोचती कि इसके पहले जन्म में हम ये थे तो ये उन्हें नहीं चाहिए। अभी ये इस रस में कृष्णा के साथ है, उनकी लीलाओं में गोपियां हैं, वो पहले के जन्म में जाना नहीं चाहती क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो फिर आनंद जो है वो उसी प्रकार से नहीं बना रहेगा। The gopis, they just want to worship Krishna as the son of Nand Maharaj, and that's what's important for them, not that Krishna's God. And so they don't care what they were in their past life or who they were. All they care about is Krishna, and we want to please Krishna. We want to give pleasure to Krishna, the son of Nanda Maharaj, the cowherd boy. तो गोपियां केवल कृष्ण की उपासना करना चाहती हैं, केवल नंद के पुत्र की उपासना करना चाहती हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कृष्ण भगवान है, वो अपने पहले जन्म क्या है उसकी परवाह नहीं करती। अगर वो किसी चीज की परवाह करती हैं तो वो सिर्फ है कृष्ण। वो कृष्ण को आनंद देना चाहती हैं, आनंद महाराज के पुत्र को, इस ग्वाल बाल को। When you're in a drama,
you want to forget who you are in real life, because if you're always thinking about who you are in real life, you will not play the part in the drama very well. तो अगर आप एक नाटक में भूमिका निभा रहे हो तो आप वास्तविक जीवन में कौन हो इसे आपको भूलना होगा, क्योंकि अगर आप आपके वास्तविक जीवन के बारे में सोचोगे तो आप उस नाटक में अच्छी भूमिका नहीं निभा पाओगे. The drama is not going to be very convincing if we are still thinking this person who is in the drama, he's my friend, but in the drama he's my enemy. We have to enter into the mood of the drama. You have to really forget about who you are and just concentrate on the drama. So the same way the gopis, their mood is simply that we're gopis, we're cowherd girls, and our business is to take care of the cows and to remember Krishna and to serve Krishna. अगर इस प्रकार हम नाटक में अपने वास्तविक जीवन को याद रखेंगे तो नाटक बहुत आश्वस्त नहीं होगा. अगर हम सोचेंगे अरे ये जो नाटक में मेरे साथ है ये तो वास्तविक जीवन में मेरा मित्र है, अभी केवल नाटक में ही मेरा शत्रु है, तो ये सही नहीं होगा. हमें नाटक के मनोभाव में आना होगा, अपने वास्तविक जीवन को भूलना होगा, केवल नाटक पर ध्यान देना होगा. इसी प्रकार ये गोपियां सोचती हैं हम गोपियां हैं और हमें गायों की देखभाल करनी है और अपने इस गोपी मनोदशा में रहती है. Even if we tell people, in my last life I was Indra, the king of heaven, and now I'm here on earth and I'm nobody. So what does it mean? It doesn't mean anything. What's the value to say such a thing? Who I was in my previous life? There's no meaning. तो अगर हम भी इस प्रकार बात करें कि ओ मैं मेरे पहले जन्म में इंद्र था, स्वर्ग का महाराजा था, और अभी मैं ये धरती पे कोई भी नहीं हूँ, तो इस प्रकार की सोच का क्या मूल्य है, इस प्रकार की बात का क्या मूल्य है, इस प्रकार के पहले जन्म को याद करने का. However, we know people take birth in the holy land, people born in Vrindavan, in the holy place, they're very fortunate, it's a very special birth. And how much more fortunate these people are who are born and taking part in Krishna's pastimes when Lord Krishna was personally present, that they must have been very, very great souls. That we can all understand. तो हम इस बात को जानते हैं कि जो लोग वृंदावन में जन्म लेते हैं पवित्र भूमि पे, वे बहुत ही विशेष जन्म है, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं. ये कृष्ण के लीलाओं में भाग ले रहे हैं, ये तो उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं कि जब कृष्ण वास्तविक रूप में यहाँ उपस्थित थे, तो हम समझते हैं कि ये जो कृष्ण की लीलाओं में भाग ले रहे हैं ये बहुत महान है. Do they worry when we were young children, did we worry about who we were in our previous life? तो जब हम छोटे बालक थे तो क्या हम इस बात की चिंता रहती थी कि हम कौन है अपने पहले जन्म में? Of course, we know from Bhagavad Gita, those who are born in devotee families, they must have did a lot of pious, they must have been quite advanced in devotional service previously to take birth in a devotee family. तो बेशक रूप से हम ये जानते हैं कि अगर किसी का जन्म एक भक्त के परिवार में हुआ है तो बहुत धार्मिक होंगे और पहले अपने इसके पहले जीवन में ही काफी उन्नत होंगे कृष्ण भक्ति में, इसीलिए उन्हें अब भक्त के परिवार में जन्म मिला है. But young children, like in Rasa Leela, when Krishna was performing Rasa Leela, he was 7 years old, not very old, and the young children, they don't think about these things. तो जैसे कि छोटे बच्चे जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे वो 7 वर्ष के थे, तो छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे इस प्रकार की बातों को नहीं सोचते कि हम पहले जन्म में क्या थे. ओके, थैंक यू महाराज, दंडवत प्रणाम, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, ग्रेटिट्यूड. कृष्ण महाराज, संबल उपे सेंसेस एट योर फुट स्पीड. Maharaj, thank you for enlightening us with the sacred mood of
you know, gopis serving Krishna and giving him pleasure. But we know that we cannot approach Krishna directly, but through our spiritual master. So what should be our mood in serving our spiritual master, taking cue from this transcendental pastimes of gopis? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. प्रभु जी कह रहे हैं महाराज के कमल चरणों में प्रणाम और बहुत ही धन्यवाद इस शिक्षा प्रद कथा के ऊपर जहाँ पर आपने बताया कि क्या गोपियों की मनोदशा थी भगवान कृष्ण की सेवा करने में केवल कृष्ण को आनंद देना। तो हम ये भी जानते हैं कि हम कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर सकते हैं, केवल गुरु के माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी क्या मनोभावना होनी चाहिए गुरु की सेवा करते समय, इस गोपियों की इस लीला से हम इसे कैसे समझें? Well, we could think of the spiritual master as guided to us by Vishwanath Chakravarti Thakur in the Guru Vastika, when he says that the spiritual master is assisting the gopis in the pastimes of Radha and Krishna. He's a confidential assistant of the gopis in the pastimes of Radha and Krishna. तो हमें ये गुरु के बारे में इस प्रकार सोचना चाहिए जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु अष्टक में हमें बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो गोपियों की सहायता कर रहा है राधा कृष्ण की लीला में और वो एक बहुत ही गोपनीय सहयोगी है राधा और कृष्ण की लीला में। Or we may see the spiritual master as an assistant of Lord Nityananda in performing the Sankirtan movement. या तो हम गुरु को देख सकते हैं कि वो भगवान नित्यानंद के सहायक हैं संकीर्तन आंदोलन में। Of course, Lord Nityananda and his associates, they were all cowherd boys, and they had the mood of taking the mood of the cowherd boys. They dressed like cowherd boys. They had buffalo horns and flutes and things, and they would act almost like just like cowherd boys. बेशक नित्यानंद प्रभु और उनके जो सहयोगी हैं वो गोप बालकों की तरह उनकी मनोदशा थी, वे गोपों की तरह वस्त्र पहनते थे, भैंसों के सींग होते थे उनके पास, बांसुरी होती थी। तो इस प्रकार जब उनकी मनोदशा गोपों की तरह होती थी तो उसी प्रकार व्यवहार करते थे। But the main point in the mood of the spiritual master is just as the mood of the gopis in their separation from Krishna. Their mood was to concentrate on Shravanam Kirtan Vishnu. So the mood of the spiritual master is also to emphasize Shravanam Kirtan Vishnu. And the genuine disciple will want to please his spiritual master by continually hearing and chanting the glories of the Lord. जो गुरु की मनोभाव थी कि जैसे जिस प्रकार गोपियां कृष्ण से बिछड़ कर उनसे संपर्क रख रही हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा, तो श्रवणम और कीर्तन पे ध्यान दे रही है, उसी प्रकार जो सच्चा शिष्य है वो गुरु को प्रसन्न रखता है निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन विष्णु का जारी रख के। Yes, we want to develop this mode of constant remembrance of Krishna, and we do it through the medium of hearing and chanting, and this is the mode of the gopis. तो हमें ये प्रकार की मनोभावना को विकसित करना है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना उनके श्रवण कीर्तन द्वारा, और यही गोपियों की मनोदशा है। So we can see within our Krishna conscious society that there is the mood of Raganuga Bhakti, that there is that mood of spontaneous devotion if there is quality in the hearing and chanting. तो हम हमारे कृष्ण भावना में आंदोलन में भी देखते हैं कि ये रागानुगा भक्ति की मनोभाव है। ये रागानुगा भक्ति तब संभव होती है जब हमारे श्रवण और कीर्तन बहुत उच्च गुणवत्ता रखते हैं।
We are following the spiritual master, and the spiritual master is following his spiritual master. This is the parampara. All the spiritual teachers, they all emphasize the importance of hearing and chanting and developing love of God. So, हम देखते हैं कि हमारे गुरु उनके गुरु का अनुसरण कर रहे हैं, उनके गुरु का अनुसरण कर रहे हैं. इस प्रकार जो सब गुरु हैं वो जोर देते हैं भगवान के श्रवण कीर्तन का और इस प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति का. So this should be our mood. The goal of life is to develop love of God, and we develop that love of God through the medium of hearing and chanting. And this is the greatest, gives the greatest pleasure to the spiritual master when he sees his disciple advancing back to Godhead. तो ये हमारी मनोभावना होनी चाहिए. हम जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्ति श्रवण कीर्तन के माध्यम से, और ये गुरु को सबसे अधिक प्रसन्नता देता है जब वो देखता है कि उसका शिष्य प्रगति कर रहा है वापस भगवत धाम की ओर. हरे कृष्ण. एनी अदर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, सर्वनाम. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. Thank you very much, Maharaj, for a beautiful class. Wonderful class, Maharaj. Thank you very much for that. Koti koti pranam of the Guru Rishi Maharaj. Maharaj, I have one question. That as you said that gopis actually did not have anything for themselves. They just wanted to give pleasure to Krishna. And we know Krishna is the supreme enjoyer. He is declaring himself in Bhagavad Gita. But at the same time, we know that Krishna is Atmana. He doesn't need anything actually. He doesn't need any pleasure, but still he is a supreme enjoyer. So this contradiction, Maharaj, how to understand? How to inculcate in our heart? So, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. बहुत सुंदर कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम. और एक प्रश्न है कि आपने बताया कि गोपियां अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी, केवल कृष्ण के लिए चाहती थी. और हम भी भगवत गीता में ये भी सुनते हैं कि कृष्ण आत्माराम है और वे कुछ नहीं चाहते. तो कृष्ण खुद कुछ नहीं चाहते और इसके साथ साथ भी वो परम भोक्ता है. तो इस विरोधाभास को किस प्रकार हम समझे? Yes, a very interesting point you brought up. That Krishna is Atmarama, he doesn't need anything, but then so many others are there simply trying to give pleasure to Krishna, and Krishna is also enjoying. And generally we do think of Krishna as an enjoyer. We think of him sometimes as the supreme enjoyer. So how does it work? So you have a very interesting thing that Krishna is Atmarama. और अन्य है कृष्ण को आनंद देने के प्रयास में लगे हुए हैं और कृष्ण आनंद ले भी रहे हैं और हम कृष्ण को परम भोक्ता के रूप में जानते हैं. तो ये कैसे काम करता है? We have to understand Krishna is not dependent on others providing happiness for him. But if somebody does offer something, try to give pleasure to Krishna, if they make an attempt to please Krishna, offer service to Krishna, then it's for their greatest benefit. So, हमें ये इस प्रकार समझना है कि कृष्णा हम पर आश्रित नहीं है उनके आनंद के लिए. परंतु अगर दूसरे उन्हें आनंद देना चाहें, तो ये उनके महान लाभ के लिए होगा. So Krishna's performing pastimes not just for his pleasure. Krishna didn't just come to perform the pastimes just to give pleasure to his devotees. Because as Krishna is Atmarama, the devotees are also Atmarama. The Krishna doesn't have to perform these pastimes for their pleasure, but he performs these pastimes to attract the conditioned souls and to bring them out of their material entanglement. तो
कृष्ण ये लीलाएं केवल अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं, ये जो लीला है कृष्ण आत्मा राम है, और जिस प्रकार कृष्ण आत्मा राम है उनके भक्त भी आत्मा राम है, तो कृष्ण ये लीलाएं करते हैं बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें भौतिक बंधन से बाहर निकालने के लिए. So that is Krishna's ultimate desire, that he's thinking about the welfare of all the conditioned souls, and he's thinking how to deliver them. Therefore, he comes and he performs these different pastimes. So, ये कृष्ण का अंतिम इच्छा यही है कृष्ण की कि वे सोचते हैं बद्ध जीवों का कैसे लाभ हो, उनका कैसे उद्धार हो, और इसीलिए वे आते हैं और ये लीलाएं करते हैं. हरे कृष्ण. Thank you. All right. Any other question, Prabhu? और कोई प्रश्न है आप कृपया करके पूछ सकते हैं. महाराज, there are few questions on the chat. Can I read them? All right. So, first question is, who was Radha Rani in her past life and what is the difference between Radha Rani and Krishna? So, ye prashn hai ki Radha Rani pichle janam mein kaun thi aur Radha Rani aur Krishna mein kya antar hai? Who was Radha Rani in her past life? We have to understand Srimati Radharani is always Srimati Radharani. Just as Lord Krishna is always Krishna, Srimati Radharani is always Srimati Radharani. हमें ये समझना होगा कि श्रीमती राधा रानी हमेशा श्रीमती राधा रानी है, जिस प्रकार कृष्ण हमेशा कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी हमेशा श्रीमती राधा रानी. Of course, she expands herself. She has many expansions. Lakshmi is the goddess of fortunes. These are all expansions from Srimati Radharani. So, beshak hi Srimati Radharani anya vistar leti hai, jaise Lakshmi ji, jo vardanon ki bhagwan hai, wo Radharani se hi ek vistar hai. But Srimati Radharani resides eternally in the spiritual world in Goloka, and she just comes for a very special purpose to take part in Lord Krishna's pastime. So Srimati Radharani nitya roop se Golok Dham mein nivas karti hain aur wo bahut hi vishesh karan se aati hain Krishna ki leelaon mein bhag lene ke liye. So who was she in her last life and then what else? What is the difference between Krishna and Radha? Well, Srimati Radharani is the Ladini Shakti, the pleasure potency of Lord Krishna. श्रीमती राधा रानी कलादिनी शक्ति हैं, वे भगवान की आनंदमय शक्ति हैं. Lord Krishna is Shaktiman. He is the possessor of the energy, and Srimati Radharani, she is the Shakti, Ladini Shakti, very special Shakti. तो श्रीमती जो भगवान श्री कृष्ण है वो शक्तिमान है, वो आधिपत्य है शक्तियों के, और श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी शक्ति है, बहुत ही विशेष शक्ति है, अलादिनी शक्ति. So Radha and Krishna were initially one, originally one, but they separated themselves eternally. And तो राधा और कृष्ण, sorry man. And this way Srimati Radharani has her own individual existence, but her only purpose is in relation to Krishna. तो राधा और कृष्णा मूल रूप से एक ही थे, परंतु उन्होंने अपने आप को नित्य रूप में अलग कर दिया है. तो राधा रानी का अपना अलग भी एक अस्तित्व है, परंतु उनका लक्ष्य केवल कृष्ण के संबंध में ही है. Yeah, another question from the chat. Yes, Maharaj. So the next question is, how can we use Omkar sound vibration for spiritual growth? So we will keep this the last question. How can we use the chanting of Omkar for spiritual growth? तो ये प्रश्न है कि ओमकार का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए. Well,
You want to use Omkar for spiritual growth, you have to understand Omkar is just simply the sound representation of the Lord, and the behind that sound representation there's a personality, a divine personality who has a form. So, आपको ओमकार का उपयोग करना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो आपको पहले ये समझना होगा कि ओमकार जो है वो भगवान का ध्वनि प्रतिनिधित्व है, परंतु उस ध्वनि प्रतिनिधित्व के पीछे एक दिव्य व्यक्ति है. So the Omkar represents the impersonal aspect of the Lord, but we have to understand there's another aspect. There's also the feature of Paramatma, and then there's also the feature of Bhagavan above that. It's not that the Lord is simply only impersonal Brahman. So Omkar Bhagwan ke nirakar रूप का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु इसके साथ साथ परमात्मा रूप भी है और भगवान भी है, और भगवान केवल निराकार ब्रह्मन नहीं है. So people chant Om, generally their mood is that they want to merge, they want to become one, they want to enter into the impersonal Brahmajyoti, they have the desire for that kind of impersonal liberation, Sayuja Mukti. तो व्यक्ति ज्यादा करके ओम का जप करते हैं, जिनको भगवान से एक होना है, जिनको निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, संयुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है, वे ओमकार का जप करते हैं. So we have to understand that there's something higher than this impersonal liberation, and that is achieved through the practice of devotional service, particularly by the chanting of the holy name of the Lord. Omkar is the sound representation of the Lord, but it's not directly His holy name. तो हमें ये समझना होगा कि इससे ऊपर भी कुछ और है इस निराकार मुक्ति के ऊपर, और वो प्राप्त होता है भगवान की प्रेममयी सेवा करके, भगवान के पवित्र नाम का जप करके. तो हमें समझना है ओमकार भगवान का प्रतिनिधित्व जरूर करता है, परंतु ये व्यक्तिगत रूप से भगवान का पवित्र नाम नहीं है. So if you're chanting Omkara, then your realization of the Supreme Absolute Truth is very restricted. You're simply thinking of the Lord only in sound. But the Lord is not only in sound. The Lord is also a person. He has personality, he has qualities, he has activities. तो अगर आप ओमकार का जप करते हो तो आपका जो साक्षात्कार होगा वो बहुत प्रतिबंधित होगा, बहुत सीमित साक्षात्कार होगा. आप केवल भगवान को ध्वनि में समझ पाओगे, परंतु भगवान केवल ध्वनि नहीं है, उनका व्यक्तिगत रूप भी है, उनके गुण भी हैं, उनकी लीलाएं भी हैं. So from the chanting of Om, we hope that you will gradually come to the chanting of the holy name of the Lord. तो ओम का जप करते करते हम उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे भगवान के पवित्र नामों के जप पर आएंगे. So there are many names you can chant. Some people chant the names of Lord Narayan or Lord Vishnu, and some people will chant the name of Lord Rama, and some people will chant the name of Lord Krishna. तो भगवान के अन्य नाम हैं, जैसे कि कई व्यक्ति नारायण नाम लेते हैं, विष्णु नाम लेते हैं, कई भगवान रामचंद्र का नाम लेते हैं, और कई भगवान कृष्ण का. So we hope that you will also gradually come to the chanting of the holy name. तो हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप भी भगवान के पवित्र नाम के जप पर आप पहुंचेंगे. Then you can make real spiritual progress. But if you're just simply only chanting Om, your advancement will be very slow and very difficult. तो फिर आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, लेकिन अगर आप केवल ओम का जप कर रहे हैं तो आपकी जो प्रगति है वो बहुत सीमित रहेगी और बहुत ही धीमी रहेगी. This is described in the Bhagavad Gita in chapter 13, chapter 12. Klesho dikatarasam avyakta sat chetasam.
Right, Lord Krishna is describing that those who are attached to the impersonal, advancement is very difficult and it's very troublesome. So, इस बात का वर्णन भगवत गीता के 12वें अध्याय में किया गया है कि क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि जो व्यक्ति निराकार से आसक्त है उनके लिए प्रगति बहुत कठिन होगी. So the chanting of the holy names of the Lord is the prescribed method for this Kali Yuga in the form of the Sankirtan Yuga, and that is a very sure way to make spiritual progress. तो जो भगवान के पवित्र नाम का जप है वो ही निर्धारित विधि है इस कलयुग के लिए, ये संकीर्तन यज्ञ, और ये पक्का तरीका है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Okay. Abhishek Prabhu, will we end here? Abhishek Prabhu? Ji Prabhu ji, thank you very much. Okay. Thank you very much for your kind association, Maharaj. Okay, thank you Prabhu for thank translation. Thank you very much for the wonderful class. I'm looking forward to hear from you more, Maharaj. Hare thank Krishna. You. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you.